Assalamu alaikum everyone. Inshallah, today I'll be talking about a very sensitive issue which all of us as a youth are facing, and that is the issue of desires and how to curb desires. Bahut se aise sins hain jinme bahut se log involved hain. Allah taala hum sab ki halat pe rehm farmaye. Allah taala ko wo secret sins pata hai. Allah taala un pe aib bhi dale rakhe, parda bhi dale rakhe. Lekin it is true ke बहुत से लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं और दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे आउट, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी डाउन है और उनका मोराल भी डाउन है, मोटिवेशन भी डाउन है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंस जो है वो सोल को वीक बनाते हैं, स्ट्रांग नहीं बनाते. पहली बात देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स इट बिकम्स रियली हार्ड टू रिजिस्ट ऑल दिस स्टफ, especially provided ke whatever we are seeing around us is full of all the opportunities to delve deep into these things, such as, you know, billboards, TV series, movies, internet pe one click pe sab kuch hai. So I totally understand that at times it becomes really hard to resist. So what to do? Main aapko ek zabardast hadith sunata hu jo aapko bahut hope degi, lekin us hadith se hame kya learn karna hai, inshallah we'll come to it. So the hadith goes like this: there is no believing slave of Allah except that he has a sin that he continually commits. Allah Ta'ala ka ek slave hai jo ek sin ko continuously commit karta hai, tauba karta hai, continuously commit karta hai from time to time, or a sin that he constantly does, ek aisa sin jo bar bar karta hai. It never leaves him until he leaves this world. Verily the believer is created muftannan tawwaban nassa'an. When he is reminded, he remembers. क्या मतलब है इस हदीस का? बहुत खूबसूरत हदीस. सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैक्ट को एक्नॉलेज किया कि हम में से बहुत से लोग एक गुनाह रिपीटेडली करते हैं, उसकी एडिक्शन हो जाती है. होता है, ऐसे होता है लाइफ में. लेकिन मोमिन की खसलत क्या है? मोमिन की खसलत ये, वो गिव अप नहीं करता सिन करके, वो तौबा करता है, बार बार तौबा करता है, बार बार तौबा करता है. देखिए जो तीन चीज़ें आई हैं, पहली चीज़ जो इस हदीस में आई है वो बिलीवर के ट्रेड के हवाले से, वो ये है कि द बिलीवर इज मुतफन. दिस मीन्स कि ही विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड थ्रू सीवियर ट्रिबुलेशंस. कुछ लोग के लिए कोई गुनाह एक ट्रिबुलेशन बन जाता है, टेस्ट बन जाता है, ट्रायल बन जाता है, और अल्लाह ताला को ये बात पता है. अब उस टेस्ट और ट्रायल को आपने कैसे डील करना है? आपने गिव अप नहीं करना, आपने कोशिश जारी रखनी है, आपने कोशिश जारी रखनी, होपलेस नहीं होना. सेकंड चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने बिलीवर को तवाब बनाया है, तौबा करने वाला बनाया है, वो तौबा करता है. झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, इलामा इकबाल ने भी कहा था. वो बार बार आता है, पलट के बार बार आता है, आखिर जाए कहाँ? उससे गुनाह होता है, वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होता है. लेकिन आपने ये करना है, आपने कभी भी गुनाह से इतना मायूस नहीं होना कि आप अल्लाह ताला से बात ही ना करें, आप अल्लाह ताला से दूर हो जाए और आप ये समझने लगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे नफरत करते हैं. ये भी नहीं करना, क्योंकि शैतान का बहुत बड़ा हथियार है फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरसेकन फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह. बिलीव यू मी, दिस इज वन ऑफ द पॉइजनस एरोज ऑफ सैतान. सो ये चीज़ हमने नहीं करनी और हमने इसमें नहीं जाना. और जो तीसरी चीज़ हदीस में आई, और जो तीसरी चीज़ इस हदीस में आई है वो ये है कि ही इज़ अ नसा, मीनिंग दैट ही कॉन्टिन्यूली फॉरगेट्स एंड रिलैप्सेस. भूल जाता है और फिर रिलैप्स करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका नफ्स उस पर हावी हो जाता है. तो ये हदीस ऑप्टिमिज्म दिलाती है हमें, और हमें बहुत ज़्यादा होपफुल करती है, और हमें अल्लाह ताला की मर्सी के हवाले से बताती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें. जब भी गुनाह हो, हम इस नीयत से तौबा करें कि हम आइंदा नहीं करेंगे, और हम ज़रूर करें. हम कभी भी होपलेस ना हो सिचुएशन से, और अल्लाह ताला ज़रूर हमें उस गुनाह से भी निकालेंगे, ज़रूर अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन से भी जोड़ देंगे, ज़रूर अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन में बना लेंगे. और एक दुआ मैं आपको बताता हूँ, जिस दुआ ने पर्सनली मेरी बहुत हेल्प की है. आप अल्लाह ताला से दुआ बहुत ज़्यादा कीजिए. वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रि इलैना अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इस्यान व जअलना मिनर राशिदीन. ये दुआ कुरान मजीद से डिराइव है. बहुत ज़बरदस्त दुआ है, बहुत पावरफुल दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी करने की मुझे तौफीक अता फरमाए, मेरे सीने में, मेरे दिल में मुजयन कर दीजिए नेकी को, और गुनाह से कराहत और कुफर से और आप अपनी नाफरमानी से मुझे कराहत जो है वो फील कराइए, और मुझे राशिदीन में से
کر لیجئے آپ ضرور یہ دعا زیادہ زیادہ پڑھا کیجئے اور تقوی کے حوالے سے بھی دعا کیجئے کیونکہ مجھے پتا ہے یوتھ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے اسپیشلی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد فرمائے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ یوتھ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور نکاح کو آسان بنائے اور جیسے کہ آج کل نکاح مشکل بن گیا ہے ہمیں ساری چیزیں چینج کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ